अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और यहाँ मैं ना डॉलोलॉजी का फेशियल कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ब्लीच पहले कर लिया था, अब ये जो है मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ। तो ये जो फेशियल है वो है VLCC का गोल्ड फेशियल। तो ये जो है ऑल स्किन टाइप के लिए है, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो है ये फेयर स्किन टोन पे जाता है। ये आपका स्किन अगर डार्केस्ट है तो इस पर ये काम नहीं करेगा, उसके लिए फिर हमें डायमंड का ही किट लेना पड़ता है। तो फिर बस आप अगर फेशियल के कोई बेसिक स्टेप भी अगर आप जान जाएंगे तो आप घर पे इजीली इसे कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ मैं ना ये कर रही हूँ जेल मसाज। तो जेल मसाज में हमें कोई वाटर या कोई रोज़ वाटर या कुछ भी नहीं लेना होता है, उसे बस हमें धीरे धीरे करके स्किन में ही ऑब्जर्व करना होता है। स्क्रब तो हम ऐसे ही नॉर्मली कर लेंगे 3 से 4 मिनट, लेकिन ये जो जेल मसाज है उसमें आपको स्टेप देना होता है। तो ये सब टाइटनिंग के स्टेप है, तो इससे जो है ना जो भी आपके रिंकल्स वगैरह हैं तो ये सब नहीं आते हैं। और ये इस और 4 स्टेप ये फेशियल किट है, बहुत ही अच्छा है, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और जैसे कि VLC जो है मेडिकेटेड है, तो ये स्किन के लिए हार्म भी नहीं करता है, कोई भी ज़्यादा इसमें जो है ना केमिकल वगैरह नहीं रहता है। तो इससे पहले मैंने गोल्ड VLCC का गोल्ड ब्लीच ही किया था। तो देखिए, गोल्ड फेशियल अगर आप कर रहे हैं तो गोल्ड ब्लीच ही कीजिएगा, तभी इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये देखिए, मसाज वगैरह करने के बाद जो है ना, तो ये जो हमारा सबसे पहले हम मसाज जो है यहीं पर से स्टार्ट करते हैं, नीचे की तरफ से। और ये इस तरह जहाँ भी आपके रिंकल्स का हो तो इस तरह से क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज करते ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं। मसाज कम से कम हमें 20 मिनट तक करना है, और ज़्यादा इसमें हमें पानी नहीं लीजिएगा, तभी रिजल्ट अच्छा होगा। रोज़ वाटर या फिर आपके पास कोई भी टोनर हो उसी से आपको मिला के थोड़ा सा क्रीम में करना है। तो ये इसका पैक है, और ये गोल्ड पैक है, पील ऑफ मास्क। ये छूट जाने के बाद इसी तरह से बस ये एक साथ पूरा निकल पील हो जाता है। इसके बाद जो शाइनिंग इसके चेहरे पर आती है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। अगर आपके स्किन फेयर टोन है तो आप ये किट ले सकते हैं। और ये छोटे छोटे 1 यूज़ का भी किट आता है VLCC का सारा फेशियल। तो ये बस ये जो पील ऑफ मास्क है, तो ये बस सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आप इसे थोड़ा मोटा ही करके लगाएंगे तो ये जल्दी सूखेगा और निकलेगा भी इजली। अगर आप बहुत थिन लगाएंगे तो फिर ये बीच बीच से जो है ना हट जाएगा। तो ये बस 20 मिनट के बाद निकल जाता, और यहाँ पर हमारा फेशियल डन हो गया। हम लोग असर के नमाज के बाद रेडी हो गए थे, तो पहले तो प्रोग्राम था कि यहाँ बच्चे लोगों को पहले डिज्नीलैंड जाना था, उसके बाद हम लोग जाते हैं शादी में। लेकिन हम लोग को पता नहीं था, 2 दिन पहले खूब बारिश हुई थी जिसके वजह से है ना वो मेला हट गया था। तो वहाँ जाने के बाद पता चला, तो देखे बच्चे लोग का मुँह कितना बन गया कि मेला हट गया। तो फिर कहीं और ही जाना था घूमने, तो यहाँ हम लोग आ गए थे V2 मॉल। और मॉल में आने के बाद उसके ऊपर है स्वादिष्ट रेस्टोरेंट, तो वहाँ आ गए थे। तो उस रेस्टोरेंट में आके तो अच्छा लगता ही है। और यहाँ पर है ना ये लड़का जो है बहुत ही अच्छा गाना गा रहा था। तो बस हम लोगों ने यहाँ चाउमीन और चिकन चिल्ली खाया, जो कि बहुत ही टेस्टी था। इसके बाद यहाँ हम लोग आ गए थे होटल शादी में, जो कि यहाँ बारात का इंतजार हो रहा था। और बारात बहुत ही लेट आई थी, तो यहाँ देखिए बस यहाँ दूल्हा का और बारातियों का सब स्टेज रेडी है। बस यहाँ मैं और आयान फैजान बच्चे लोग ही आए थे, बाकी डॉलोलॉजी आलिया और रहब चली गई थी वापस, क्योंकि फिर शादी में बहुत लेट हो जाता और पूरा घर खाली करके नहीं रह सकते थे। और यहाँ बारात सच में बहुत लेट हो गया था शादी में, और अभी तो खैर बिल्कुल ही अभी इंतज़ार ही हो रहा है बारात का।
छह लोग भी काफी देर से तैयार होके बोर हो गए थे वेट करते करते बारात का, तो ये लोग यहीं पे अपना खेलना शुरू कर दिए। जा रहे हैं वापस घर। तो बस हम लोग रात में घर वापस आ गए थे और ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। तो फिर ये बच्चे लोग बहुत दिन से जिद कर रहे थे, जब से गर्मी छुट्टियां हुई थी, कि स्विमिंग पूल जाना है स्विमिंग पूल। तो आज फाइनली इन लोग के जाने का दिन है, तो आ ही गए थे। और ये लोग बहुत सवेरे 11 ही बजे आ गए थे, क्योंकि इन लोग को शाम में घर वापस जाना था डॉला जी लोग को। तो खूब मस्ती हुआ, बहुत ही अच्छा। हम लोग के शहर में ये खुल गया है बच्चे बड़े सबके लिए, और सब बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, और इतना इंजॉय किया कि डबल डबल दोबारा दोबारा टिकट लेके फिर से इस लोगों ने स्विमिंग की। वहाँ से आने के बाद उन लोग को मैगी खाना था, तो यहाँ मैंने मसाला मैगी, आजकल जो मिलता है ना वो नया आया है मसाला मैगी, तो जिसमें स्पाइस थोड़ा अलग होता है जो काफ़ी चटकार होता है। तो यहाँ बॉयल पानी हो जाने के बाद मैंने मैगी मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, और मैगी में तो आप जो भी डालते जाइए, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर मैंने ऐड कर दिया अच्छे से। जब ये पक गया है तो मैंने 1 टीस्पून पास्ता सॉस, 1 टीस्पून जो है ना रेड चिली सॉस ऐड कर दिया है, थोड़ा सा सोया सॉस, जो भी सॉस वगैरह हो जो भी मैगी में ऐड कर देंगे अच्छा ही लगेगा। मैगी और पास्ता ऐसी चीज़ है जो भी आप इसमें डाल के बनाएं टेस्टी ही लगेगा। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह।